टीवी सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन के हप्पू सिंह और राजेश जब इंदौर आए तो उन्होंने लोगों को बहुत हंसाया। इसके बाद सेल्फी का दौर भी शुरू हुआ और लोकल लेटिन के जरिए उन्होंने अपने अभिनय के सफर भी साझा किए। लोगों को कितना पसंद आ पाया है वो तो वही बता पाएंगे। मैंने थोड़ी जब मुंबई की ट्रेन पकड़ी थी तो सोचा था कि कॉमेडी में कोई काम मिलेगा मुझे, लोगों को कॉमेडी पसंद आएगी, बट आपने किया, आपको मौका मिला, आपने थोड़ा सा अच्छा किया, लोगों का प्यार मिला। हो सकता है अगर इसकी शुरुआत उल्टा होती सीरियस रोल से। अभी सारांश मूवी में जब अनुपम खेर शुरू शुरू में आए थे तो उनको सीरियस रोल मिला, इसका मतलब वो सीरियस रोल के लिए, बाद में उन्होंने कॉमेडी भी की। हो सकता है जो कॉमेडी की फिल्म है वो पहले बनी होती तो हम सारांश का रोल सोच भी नहीं सकते थे कि अनुपम खेर जैसा कॉमेडियन सारांश रोल कर पाएगा कि नहीं। पिता का रोल जो है लोगों का क्या है, जो लोग जो देख लेते हैं उनको लगता है जॉनी लीवर है तो कॉमेडी कर रहे हैं तो कॉमेडियन ही होगा। जॉनी लीवर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं, वो इमोशनल सीन भी बहुत अच्छा करते हैं। हाँ कुछ एक्टर हैं जो स्टेज के हैं वो स्टैंड अप नहीं, सामने बैठी तो उसका अंदर से निकलता है, लेकिन कुछ एक्टर हैं जो स्टेज पे भी बहुत अच्छे हैं। मीडिया के कुछ होते हैं जो सिर्फ मीडिया करते हैं, उनको स्टेज का कुछ नहीं नॉलेज। अगर आपको बोलोगे कि आप राजू श्रीवास्तव की तरह किसी एक्टर को बोलो जो सास बहू में आपको लीड में भी दिख रहा है, आप उसको माइक पकड़ा के बोलो कि यार थोड़ा सा आप राजू श्रीवास्तव की तरह हंस के हंसाइए, वो नहीं कर पाएगा। सास बहू में डायलॉग बोल रहा है बेचारा लिखे हुए जो भी हैं, अब उसका अगर हुनर नहीं है तो वो राजू जी की तरह जलता हुआ बल्ब, लोकल ट्रेन, निर्जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं, वो तो उनसे भी कॉमेडी, वो कागज लकड़ी से बातें कर रही हैं, वो उनके साथ होना था उनका ऑब्जर्वेशन। ठीक है एक सास बहू का एक्टर है या कोई सीरियस कैरेक्टर का एक्टर, उसको आपने माइक पकड़ा दिया और बोलो कपिल शर्मा हो जाओ या मिमिक्री करो, ये तो नमस्ते प्रणाम सभी को दिल से जय सिया राम। मैं हूँ आपकी अपनी गीतांजलि मिश्रा यानी कि हप्पू की उल्टन पलटन की आपकी फेवरेट राजेश। बाबा की कृपा है जो इस बार मुझे मौका मिलेगा शिवरात्रि के समय दर्शन करने का। इंदौर के खाने के क्या, यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ के खाने में बात है वो कहीं नहीं। हर चीज इतनी लजीज है, मतलब नॉर्मल सा पोहा भी है ना वो भी ऐसे इतने सारे सेव पापड़ी के साथ दिया जाता है कि देखकर मन तृप्त हो जाता है। वैसे तो मैं टेलीविजन में पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ पर ज्यादातर लोग मुझे गूगल तक क्राइम पेट्रोल गर्ल के नाम से जानता है। राजेश का किरदार मैं पिछले 7 महीने से निभा रही हूँ, शो तो 5 साल पुराना है बट मैं रिप्लेस होकर आई हूँ। और राजेश का किरदार थोड़ा सा दबंगे ही भरा है, मुझसे बहुत अपोजिट है क्योंकि मैं थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन हूँ, राजेश तो मुंह तोड़ देने वालों में से है। काफ़ी सारे ऑडिशंस हुए थे, मेरा भी हुआ, मैं पहले करना नहीं चाहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्योंकि 4 साल से एक शो चल रहा है, एक कैरेक्टर सेट है, लोगों को देखने की आदत है, पता नहीं एक्सेप्टेंस होगी या नहीं, बट आई एम लकी, आई विल से दैट गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी एंड पीपल आर वेरी काइंड टू मी। सो 6 महीने में लोगों ने अपना लिया मुझे।